हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कैपकट में ट्रेंडिंग बिहाइंड लिरिक्स वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, बहुत ही यूनिक और वायरल जाने वाला ट्यूटोरियल है ये। और इस तरह का वीडियो एडिटिंग आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो हम एडिट करने वाले हैं कैपकट एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले आपके पास एक कैपकट ऐप होना चाहिए, एंड अगर आपके पास एक कैपकट ऐप नहीं है देन इसे आप थोड़ा सा सर्च वगैरह करके इंस्टॉल कर लेना। और कैपकट को यूज करने से पहले आपको किसी वीपीएन से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो गूगल प्ले स्टोर पर आपको बहुत सारे वीपीएन मिल जाते हैं, वहां से आप कोई भी एक इंस्टॉल करके उसे आप ओपन करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे सुपर वीपीएन को ओपन कर लिया। फिर कनेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। कनेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करना होगा, देन आप ऑटोमेटिकली वीपीएन से कनेक्ट हो जाओगे। आप यहां पे देख सकते हो। देन आपको जस्ट यहां पे बैक करना है, इसे आपको मिनिमाइज कर देना है। फिर उसके बाद आपको अपने कैपकट ऐप को ओपन करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। नाउ अब आप यहां पे ट्रेंडिंग लिरिक्स बिहाइंड वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। वीडियो को एडिट करने के लिए न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आप क्लिक करना। फिर अगर आप फोटो वाले सेक्शन में हो तो वीडियो वाले सेक्शन में आ जाओ, और जिस वीडियो को एडिट करना चाहोगे उसे सेलेक्ट करके जस्ट ऐड के ऊपर क्लिक करना। तो आपका जो वीडियो होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और से प्ले करके दिखाऊं तो आप देख पा रहे हो, बिल्कुल एक नॉर्मल सी वीडियो है, इसमें कहीं पे भी कोई लिरिक्स वगैरह एडेड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वीडियो को ऐड करना है, देन उसके बाद आपको यहां पे लास्ट में आना है। एक वाटरमार्क आएगा कैपकट का, तो इसके ऊपर क्लिक करके इसे डिलीट कर देना। ठीक है, वाटरमार्क डिलीट हो गया। फिर उसके बाद आपको यहां एक म्यूट क्लिप ऑडियो का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना। इससे होता यह है ना, जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तो उस टाइम पे कुछ नॉइज वगैरह रिकॉर्ड होता है तो वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप कर लेना। इतना कर लेने के बाद अब आपको यहां पे लिरिक्स वीडियो को ऐड करना है, जो कि ऐड करना काफी ज्यादा आसान है, मैं आपको दिखाता हूं। आपको यहां पे ओवरले के ऊपर क्लिक करना होगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे फिर आपको यहां एक ऐड ओवरले का ऑप्शन दिखेगा, यहां आप क्लिक करना। और अगेन अगर आप फोटो वाले सेक्शन में हो तो वीडियो वाले सेक्शन में आ जाना, और यहां पे लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं यहां पे इस वाले लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट कर रहा हूं। और अगर आप मुझसे ये चीज पूछ रहे हो कि भाई इस टाइप का जो लिरिक्स वीडियो वो हमें कहां पे मिलेगा, तो इस टाइप का लिरिक्स वीडियो आपको काफी सारे यूट्यूब में इंस्टाग्राम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहां से इन्हें आप फाइंड आउट कर सकते हो। साथ ही में मेरे पास जितने भी लिरिक्स वीडियो हैं इस टाइप के, उन सभी का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सेव कर लेना। ठीक है, और साथ ही में मैं आपको कुछ इंस्टाग्राम प्रोफाइल का भी लिंक दे दूंगा जहां पे आपको इस टाइप का लिरिक्स वीडियो मिल जाता है। ओके, तो जस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको लिरिक्स वीडियो के लिए काफी सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम में सर्च वगैरह भी करोगे तो इस टाइप का लिरिक्स मिल जाएगा। ठीक है, फिर जस्ट इसे सेलेक्ट करके ऐड के ऊपर क्लिक कर लेना। ओके, तो यहाँ पे लिरिक्स वीडियो ऐड हो गया, और लिरिक्स वीडियो ऐड हो जाने के बाद आप देख सकते हो इसमें ब्लैक स्क्रीन है, या फिर आप बोल सकते हो ब्लैक बैकग्राउंड है। तो इसे सबसे पहले हमें हटाना होगा। ठीक है, तो इसे हटाने के लिए आपको यहाँ एक स्प्लाइस का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करो और ये जो लाइटन का ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करके डन करोगे तो आप यहां देखो इसका ब्लैक कलर जो है वो हट चुका। ठीक है, तो इस तरीके से हटा लेना। फिर जहां आप इसे रखना चाहोगे, जैसे कि मैं इसे थोड़ा इसका साइज को इंक्रीज करके यहां ऊपर में रखना चाहूंगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने इसे एडजस्ट कर दिया, इस तरीके से आप भी एडजस्ट कर देना। ठीक है, एडजस्ट हो जाने के बाद अब इसे हमें जस्ट बैकग्राउंड में भेजना होगा, क्योंकि आप यहां देख पा रहे हो ये तो अभी हमारे जस्ट फेस के ऊपर आ जा रहा है, बैकग्राउंड में हमें भेजना होगा। तो बैकग्राउंड में भी भेजना काफी ज्यादा आसान है, आपको जस्ट यहां पे जो ओवरले का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसके ऊपर फिर से क्लिक करना है। फिर ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करके जो वीडियो आप एडिट कर रहे हो उसी सेम वीडियो को सेलेक्ट करके ऐड कर देना है। ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका वीडियो आ जाएगा। ठीक है, अब इस वीडियो को आपको पूरा स्क्रीन में अच्छे तरीके से फिक्स करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, आपने देखा बिल्कुल अच्छे से मैंने यहाँ पे फिक्स किया, आपको ना छोटा रखना है ना बड़ा करना है, बिल्कुल जैसा साइज है इसका उसी तरीके से आप यहाँ पे इसे फिक्स कर देना। ठीक है, देन उसके बाद नीचे में यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करना, आपको यहाँ पे जस्ट एक रिमूव बीजी का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके ऑटो रिमूवल को सेलेक्ट कर लेना। इसे जैसे ही सेलेक्ट करोगे आपका जो टेक्स्ट होगा या फिर आपका जो लिरिक्स होगा वो बैकग्राउंड में चल जाएगा। आप यहां पे देख सकते हो, अब जस्ट आपको यहां पे डन कर देना है, एंड उसके बाद आप यहां देख पाओगे आपका जो लिरिक्स है वो जस्ट बैकग्राउंड में चला गया, आप देख पा रहे हो। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लिरिक्स हमारा थोड़ा सा कम हाईलाइट हो रहा हो तो आप अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करें, जैसे कि ये जो हमारा
येलो कलर वाले लिरिक्स है वो थोड़ा सा कम हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो आप इस लिरिक्स को ऊपर क्लिक करना और यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे एक एडजस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हो, इसके ऊपर क्लिक कर देना। ओके, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सेचुरेशन को सबसे पहले आप इंक्रीज करना, सो सेचुरेशन के ऊपर क्लिक करके इसे इंक्रीज कर देना है, और ब्रिलियंस को भी आप यहाँ थोड़ा इंक्रीज करना, ठीक है। देन आप यहाँ देख पाओगे आपका जो लिरिक्स है वो और भी ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट होने लगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी थोड़ा कम हाईलाइटिंग हो रहा है, तो आप अपना जो मेन वीडियो है आपका उसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करना और यहाँ पे एडजस्ट के ऊपर आना, और इस बार इसमें आप ब्रिलियंस को कम कर देना, ठीक है। लाइट कम रहेगा तो आपका लिरिक्स अच्छे से हाईलाइट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट हमारा एडिटिंग हो चुका है। ओके, सो इस तरीके से करके आप ये एडिटिंग कर सकते हो, आई होप आपको समझ आ गया है। अब इसे अपने डिवाइस में सेव करने के लिए 1080 के ऊपर क्लिक करके सभी को आप बिल्कुल मैक से कर देना, एंड उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपका जो वीडियो होगा वो आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एडिट कर सकते हो, आई होप आपको सारी चीज समझ आ चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।